नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट की अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को जेडी कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई। आपको बता दें, धरने को संबोधित करते हुए जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि जेडी कार्यालय का ऑडिटर आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, बिना सुविधा शुल्क लिए पत्रावलियों का निस्तारण नहीं करता है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर जयशंकर मिश्र ने कहा कि जेडी कुछ दलाल शिक्षक नेताओं से घिरे हुए हैं, जिसके कारण न्यायालय पूर्ण ढंग से पत्रावलियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। तो वहीं संरक्षक राम जन्म सिंह ने कहा कि जेडी ने मऊ जिले की समस्याओं के समाधान के लिए जेडी द्वारा कई बार पत्र लिखा गया, लेकिन उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इंटर कॉलेज मारूपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक ने भ्रष्टाचार के आधार पर 10वें नंबर के कनिष्ठ को नियम विरुद्ध ढंग से कार्यवाहक प्रधानाचार्य बना दिया गया। जेडी धरना स्थल पर उपस्थित हुए और उन्होंने सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक सप्ताह का समय लिया और संगठन के नेताओं से धरना स्थगित करने का अनुरोध किया। मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव ने संगठन के नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि जेडी की बातों पर विश्वास करते हुए एक सप्ताह के लिए धरना स्थगित किया जाता है। समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो पुनः एक सप्ताह बाद अनिश्चितकाल धरना शुरू किया जाएगा। धरने में वीरेंद्र सिंह, शेर बहादुर सिंह यादव, अतुल सिंह, अबरार अहमद, राधेश्याम, जितेंद्र मौर्य, गिरजा शंकर, महमूद इरफान, जामवंत निषाद, अभय श्रीवास्तव, श्याम बिहारी राम सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। क्या नाम है सर? मैं राम जन्म सिंह, संरक्षक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेगुट। धरने पर हुआ है कि इस मंडल के अंदर तीन जिले आते हैं और तीनों जिलों के अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक मनमाना हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं। वह केवल और केवल पैसे के पीछे ही दौड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से काम हो रहा है उनका। आपसों में भ्रष्टाचार अंतिम सीमा पर हो गया। हम अध्यापकों की समस्याओं को लेकर, कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर जब उनसे मिलते हैं, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, वादा करते हैं कि इतने दिन के अंदर हम समस्याओं का समाधान कर देंगे, लेकिन जो धरना समाप्त होता है वो सारी समस्याएं जहां की तहां रह जाती, कुछ नहीं होता। इन सारी समस्याओं को लेकर के हम लोगों ने सोचा कि जेडी महोदय श्री योगेंद्र सिंह मंडल आजमगढ़ के संयुक्त शिक्षा निदेशक हैं। सुना गया था कि उनका हृदय अति विशाल, अति कोमल और अति उदार है, और इसी तीनों गुणों के अंदर ये जितने भ्रष्टाचार हैं सर समाहित होते चले जा रहे हैं और वो उसको निगलते चले जा रहे हैं। उनका ध्यान हम लोगों ने आकृष्ट कराया। बहुत 2 महीने पहले उनको दिया गया कि हमारी समस्याएं हैं और कहा गया, उन्होंने कहा किसी दिन ये समस्याओं को बैठ जाइए, मैं समाधान कर दूँगा। और 2 महीने उनको समस्याओं को दे हुआ, समाधान करना दूर हुआ। उन्होंने चर्चा तक नहीं किया, न पदाधिकारियों को बुलाया, न पदाधिकारियों से बात किया और वो समस्या रह गई। अंत में हमको उनके ही कार्यालय पर धरना देकर उनका ध्यान आकृष्ट कराने का प्रयास है कि अगर इसी तरह से तानाशाही चलती रही और मंडल आग में सुलगता रहेगा, भ्रष्टाचार की आग में जलता रहेगा, अध्यापक पीड़ित रहेगा, न उसका पेंशन समय से निकलेगा, न GPF सही से निकलेगा, न अध्यापकों की पदोन्नति होगी, न कर्मचारियों का चयन वेतन मान मिलेगा, न प्रोन्नत वेतन मान मिलेगा। आखिर ये अध्यापक कहाँ जाएंगे? हम एक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते हमारा ये परम दायित्व होता है, हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उन समस्याओं को लेकर के लड़ें और इसी समस्याओं के समाधान के लिए हम जेडी कार्यालय बैठे हैं। ये भी नहीं सुनेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हम डायरेक्टर के यहाँ बैठेंगे। हम शांतप्रिय तरीके से अपने इस सत्याग्रह को चलाना चाहते हैं, अन्यथा हम तो वो भी हथियार रखे हैं कि